नमस्कार, मैं आशा। जस्ट किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे जीरा आलू, जो कि बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी है। इस सब्जी को सफ़र में कहीं जाते समय या टिफ़िन में या नाश्ते में ये बहुत ही कारगर साबित होगी। तो आप वीडियो को पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीरा आलू बनाने के लिए हमें ये सामान चाहिए। ये सामान हम यहाँ पर इकट्ठा कर रखे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कसूरी मेथी, जीरा, तेल, हल्दी, नमक और एक उबले हुए 5 आलू हैं, जिनको कि हम इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रखे हैं। इसको आप अपने हिसाब से अपने पसंद के शेप में काट सकते हैं। तो चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा इसमें हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि जीरा आलू है, तो इसमें हम जीरा ज़्यादा डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च और इसमें हम आलू डाल देंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी है। जब कभी भी कोई सब्जी समझ में ना आए तो आप फटाफट जीरा आलू बना सकते हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/3 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला ऑप्शनली है, अगर आप डालना चाहें तो डालेंगे, तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें गरम मसाला जरूरी नहीं है क्योंकि भुने जीरे का पाउडर हम डाले हैं। बहुत ही फटाफट बनने वाली सब्जी है। कभी भी आप चाहें तो इसको फटाफट सुबह के टाइम, कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है नाश्ता बनाने का, तो हम सुबह के टाइम इसको नाश्ते में बना सकते हैं। इसको पूरी, पराठे, रोटी, किसी चीज़ के साथ भी खाया जा सकता है और टिफ़िन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आप कभी, जब हम कभी बाहर जाते हैं तो रास्ते में खाने के लिए खाना हम लेकर जाते हैं, तो सफ़र के लिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है। आप इसको एक बार बना लेंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी। जब घर में बच्चे हों तो हिसाब से मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी हम इस तरह से हथेलियों पर क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी घर में अवेलेबल हो तो ठीक है, ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। सब्जी बनके तैयार है, इसको हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। तो इस तरह से आप जीरा आलू बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।